मार्केट गए थे उधर से नेनुआ लेकर आए हुए हैं। इसे अब नेनुआ के काटना स्टार्ट कर देते हैं। टोटल को आज परोर का ही सब्जी बनाया जाएगा। गांव में इसे परोर बोलते हैं। अभी फ़िलहाल समय हुआ है 8:10। सभी को बारीकी से काट दिए हैं। ये सब्जी जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाता है। ये जो चूल्हा देख रहे हैं बहुत पहले से ही सब लोग यूज करते जा रहे हैं। इस चूल्हा को 4 लोग यूज कर चुके हैं। 5वां में हम आए हैं तो इस चूल्हा के अभी तक हम यूज कर रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो गया था, इसमें तेल और जीरा मिर्ची इसमें डाल दिए हैं। पूरा पक गया है, उसके बाद काटे हुए सब्जी इसमें डाल देते हैं। लग रहा है कि कढ़ाई से बाहर गिर जाएगा लेकिन वह सब कुछ नहीं है, ये गल जाता है बहुत जल्दी। 5 से 6 मिनट चलाने के बाद इसमें अब नमक डाल देते हैं। नमक डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी रोस्ट हो जाता है। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमक डाल दिए हैं, इसे थोड़ा मिला लेते हैं, उसके बाद इसे ढककर रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हल्दी डाल दिए हैं, उसके बाद इसे भी अच्छी तरह से चला देते हैं कि हल्दी सटे नहीं। अब देख रहे हैं ये सीझते हुए पूरा पक रहा है अच्छी तरह से। थोड़ा देर के लिए इसे भी ढककर रख देते हैं। देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है। अब फिलहाल इसे गैस को बंद कर देते हैं। अब की बारी है चावल को। फिलहाल चावल को उधर से धोकर अच्छी तरह से लाए हैं, ऐसे चढ़ा देते हैं चूल्हा पे। कुकर तो भी काफ़ी गर्म है, थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ देते हैं ठंडा के लिए। 1 से 2 आदमी का खाना बनाने में कुकर में चावल 15 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसे खोल दिए हैं ढक्कन, उसके बाद थाली में निकाल लिए हैं और सब्जी इसे भी निकाल लेते हैं, उसके बाद खाना चालू करते हैं। यह सब्जी रोटी और पराठा के साथ खाने में और भी टेस्टी लगता है। फिलहाल हम तो चावल के साथ ही खाने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।